शांति। कि कई भाई बहने सोचते हैं कि संगठन में अगर हम स्नेह दें तो कहीं फंस ना जाए, और इसीलिए वो न्यारे रहते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। क्योंकि बाबा की श्रीमत है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल या सभी संबंधों को त्याग, मुझे याद करो। तो फिर थोड़ा ज्यादा ही न्यारे होने का पुरुषार्थ कर लेते हैं। पर बाबा ने कहा कि ये तो परिवार है, और परिवार में रहते हुए परिवार में स्नेह से रहते हुए, जिसको बाबा कहते हैं न्यारा होते हुए प्यारा, न्यारा होकर के प्यारा होंगे तो वो कमल पुष्प समान होगा, तो फिर हम कर्मयोगी होंगे, नहीं तो कर्म सन्यासी हो जाएंगे। क्योंकि जैसे वो सन्यासी होते हैं, वो अपने संबंधों को त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, सोचते हैं कि भगवान का ध्यान हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने घर गृहस्थ को सब संबंधों की जिम्मेवारियों को छोड़ेंगे, नहीं तो इनकी मोह माया में ही हमारी बुद्धि फंसी रहेगी। तो अगर हम भी इस तरह से पुरुषार्थ करने लगते हैं, भले रहते घर गृहस्थ में हैं लेकिन सबसे संबंध तोड़ने लगते हैं, तो फिर कर्म संन्यास